का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हमारे पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान कुछ एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर यानी कि जी 82 या ग्रेटर देन 82 हो, तो वो वाले एलिमेंट जो है खुद ब खुद तीन तरह की रेज जिन्हें हम लोग रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं खुद ब खुद इमिट करते रहते हैं, जो कि अल्फा भी हो सकती हैं, बीटा भी और गेमा भी। ये तीन तरह की रेज जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज कहलाती हैं, और वो वाले एलिमेंट जो ये रेज इमिट करते हैं खुद बा खुद उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स जो खुद बा खुद ये रेज इमिट कर रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये नेचुरल रेडियो एक्टिविट हैं। अगर हमें खुद ये रेडियो एक्टिविटी करवानी हो किसी एलिमेंट से जो कि रेडियो एक्टिव ना हो, तब हम उसे कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव है, जिसे हम मुख्तलिफ प्रोसेसर प्रोसेस यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है उनको रेडियो एक्टिव बनाते हैं, जबकि वो खुद रेडियो एक्टिव नहीं होते। रेडियो एक्टिव सिर्फ वही वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 या ग्रेटर दैन 82 हो, जैसे कि यूरेनियम है जिसके बारे में आपको मालूम है कि अभी तक हम उसे यूज़ करते आ रहे हैं। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में हमने उसकी बात की है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है 92 और एटॉमिक मास 235 है, तो अब चूंकि ये 82 से ग्रेटर है इसलिए ये रेडियो एक्टिव है। इसी तरह से आपके पास थोरियम आ जाता है, आपके पास प्रोटेक्टिनियम आ जाता है, ये जो काफ़ी एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 82 है। अब होता क्या है कि जब ये कोई रे इमिट कर दे, फॉर एग्जांपल इसने कोई गैमा रे इमिट की है, तो गैमा रे इमिट करने के बाद एक्स अपनी पहली वाली कंडीशन में ही नहीं रहेगा बल्कि ये किसी और एलिमेंट वाई में तब्दील हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई रेडियो एक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो कोई बीटा रे इमिट कर देगा और बीटा रे इमिट करने के बाद अपने आप को किसी और एलिमेंट जी में कन्वर्ट कर लेगा। तो वो वाला प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को रे इमिट करने के बाद, जो कि रेडियो एक्टिव रे है उसको इमिट करने के बाद अपने आप को किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील कर ले, तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है ट्रांसम्यूटेशन, जिसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। जो रेडियो एक्टिविटी है इसके बारे में स्टडी किया गया था 1896 में, डिस्कवरी की गई थी और इसकी जो डिस्कवरी थी वो हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने क्या किया कि उसने एक जो है यहाँ पर ग्लास का एक बॉक्स यूज़ किया, उसके अंदर ये ग्लास का बॉक्स कह लें आप कह लें, उसने बेसिकली लेड चैम्बर यूज़ किया। अब उस लेड चैम्बर के अंदर उसने इतना सा बॉक्स बनाया और उसमें वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। उसके बाद क्या किया कि उसने यहाँ पर एक फील्ड अप्लाई कर दी, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था इस तरीके से, और इसके ऊपर उसने क्या किया, इसके ऊपर उसने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी इस तरीके से। ये उसने फोटोग्राफिक फिल्म यहाँ पे प्लेट एक शीट अप्लाई कर दी फोटोग्राफिक की, और उसके बाद उसने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे उसने एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ये पॉजिटिव और ये उसने नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर दी। इसके बाद उसने यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे लेड चैम्बर के अंदर से वैक्यूम के थ्रू जो है सारी की सारी एयर को बाहर एमिट कर दिया, वैक्यूम अप्लाई कर दिया। अब ये जो थी ये फोटोग्राफिक फिल्म थी उसके पास, ये उसने जो है यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, और ये जो है आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो उसने वहाँ पर अप्लाई किया है रखा है। अब क्या हुआ कि कुछ अर्से बाद जब उसने इस फिल्म को निकाला तो इसको देखा, तो उसे पता चला कि इस रेडियो एक्टिव फिल्म के ऊपर जो है तीन तरह के निशान हैं, कुछ सेंटर में है, कुछ यहाँ पर है, कुछ इस साइड पे है, यानी कि सब जो है इस एलिमेंट से निकलने वाले जो निशान थे, यानी कि अगर ये रेडियो एक्टिव था तो इससे निकलने वाली सारी की सारी रेज बेसिकली ऐसे आनी चाहिए थी इस फिल्म के ऊपर, यूँ डायरेक्टली पड़नी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, जब उसने इस फोटोग्राफिक फिल्म को देखा तो इस पर कुछ निशान इस तरीके से थे कि कुछ यहाँ से रेज निकली और यहाँ से यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो की, और कुछ ने यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो की, और कुछ जो है बिल्कुल सीधी चलेगी। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे तीन जगह जो है स्पॉट्स देखे जहाँ पर जो है सारी की सारी रेज आकर हिट की होंगी। उसके बाद उसने इसकी ये लॉजिक दी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना वो तीन तरह की जो है रेज इमिट करता है इस तरीके से। वो रेज जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल होती है, वो बिल्कुल सेंटर की तरफ चलेगी, जिसे उसने गामा रेज का नाम दिया। और वो रेज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की नेगेटिव की तरफ, जिससे उसने अल्फा पार्टिकल का नाम दे दिया। इसी तरीके से
वो वाली रेज जिनके ऊपर जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज था, यानी कि जो आपके पास बीटा रेज हैं वो किसकी तरफ इफेक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो इस तरीके से उसने ये बताया कि जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। गामा रेज पे चूंकि कोई चार्ज नहीं होता इसलिए वो बिल्कुल डायरेक्टली जाके प्लेट को हिट की, जबकि जो आपके पास अल्फा रेज थी उनके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज था इसलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हुए प्लेट को जाके हिट की, और जो वो रेस थी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हुए उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म को जाके हिट किया। तो इस तरह के स्पॉट से उसे पता चल गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो तीन तरह के रेस ही इमिट कर सकते हैं, जो कि अल्फा, गामा और बीटा है। इससे हेनरी बेकरलैंड ने क्या किया कि इनकी जो है प्रॉपर्टीज़, अल्फा, गामा और बीटा रेज की प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन की। सबसे पहले हम जो है अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। हेनरी बेकरलैंड ने ये कहा कि जो अल्फा रेज होती है ना ये किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रही हैं तो ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ निकलेंगी, और इनकी जो वेलोसिटी है अल्फा रेज की वो 1.4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से जो है 1.7 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड तक जा सकती है। और इनकी जो वेलोसिटी है अल्फा रेज की वो डिपेंड करती है कि किस तरह के मटेरियल के अंदर से, यानी कि कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर से अल्फा रेज निकल रही हैं, आया कि वो यूरेनियम है, वो थोरियम है, वो प्रोटेक्टिनियम है या कोई और एलिमेंट है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी किस एलिमेंट के अंदर से वो जो है अल्फा रेज एमिट हो रही हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एलिमेंट के लिए अल्फा रेज की स्पीड भी डिफरेंट होती है। अब जो उसने दूसरा पॉइंट बताया, दूसरे पॉइंट में उसने इसकी आयोनाइजेशन को डिस्कस किया। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि ये जो अल्फा रेज हैं ये जब किसी भी गैस के अंदर से गुजरती हैं तो उसे आयोनाइज कर देती हैं, यानी कि आपके पास ये अल्फा रेज है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी गैस के अंदर से जा रही हैं, ये एयर है, तो उसमें से पास करने के बाद क्या करेगी, एयर को आयोनाइज कर देगी। यहाँ पे आपके पास आयोनाइज आ जाएगी एयर, यानी कि एयर के अंदर जो भी गैस थी उसमें से पास की तो उसको आयोनाइज कर देगी, यानी कि इसके पास की एबिलिटी है कि किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकती है, उसको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में सेपरेट कर सकती है। इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस किया गया था, थर्ड पॉइंट में उसने कहा था कि इफ़ेक्ट ऑफ अल्फा रेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, यानी कि आपके पास जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। हमने देखा था कि जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये अल्फा जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इसमें से जो अल्फा रे निकलती हैं वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे उस पॉइंट पे जाके डिफ्लेक्ट होकर, यानी कि डिफ्लेक्ट करते हुए, ये डिफ्लेक्शन शो करते हुए फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है स्पॉट छोड़ती है, यानी कि उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। और ये अल्फा रे अगर तो चूंकि ये पॉजिटिव होती है तो अगर नेगेटिव यहाँ पर है तो इस तरीके से बैंड हो जाएगी, और अगर नेगेटिव यहाँ है तो ये अल्फा रे इस तरीके से बैंड होती हुई फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि ये फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट कर सकती है। जो अल्फा रे होती है ये एयर के अंदर ट्रैवल तो कर सकती हैं लेकिन ये कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं। हर अल्फा जो रे होती है उसकी जो है जिस एलिमेंट से वो निकल रही है उस एलिमेंट पर डिपेंड करती है कि उस एलिमेंट से कितनी स्पीड से निकल रही है और कितनी स्पीड से वो जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ेगी, ज़्यादा ट्रैवल कर सकेगी एटमॉस्फेयर के अंदर से या नहीं। तो ये डिपेंड करते हैं कि किस एलिमेंट से किस तरीके की अल्फा रेज निकल रही है, उनकी स्पीड कितनी है, वो एयर के अंदर से कितनी देर तक या कितने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती, थोड़ा करती हैं या ज़्यादा करती हैं, तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स पे। फॉर एग्जांपल जो यूरेनियम के अंदर से रेज निकलती हैं अल्फा रेज, ये यूरेनियम के अंदर से जो अल्फा रेज निकली हैं इनकी जो रेंज होती है वो 2.7 सेंटीमीटर होती है। सिमिलरली जो आपके पास थोरियम है उस थोरियम के अंदर से जो आपके पास अल्फा रेज आती हैं उनकी तकरीबन 8.6 सेंटीमीटर रेंज होती है, यानी कि वो इतना डिस्टेंस जो है एटमोसफेयर के अंदर से ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है अल्फा रेज के लिए कि वो किस एलिमेंट के अंदर से निकल रही हैं और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। बल्कि यहाँ पे एक और पॉइंट मिस हो गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रूफ कर देते हैं, अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हो तो उसके साथ ही साथ आपको ये भी जो है पता चल जाता है कि ये जो अल्फा रेज हैं ये पॉजिटिव पार्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्शन शो करते हैं, जबकि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर तो सीधा इन्होंने जाके अगर यहाँ पे आपने कोई फील्ड ना अप्लाई की हो तो इसने जाके कोई ना कोई स्पॉट तो छोड़ना ही होता है क्योंकि इस पर इफेक्ट करती हैं, लेकिन अगर साथ साथ आप मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करें तब ये रिफ्लेक्शन शो करके ये साबित करती है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है।
अब उसके बाद जो है हीलियम, जो आपके पास जो अल्फा है, अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज जो है ना, बेसिकली हीलियम कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो है इसका एटॉमिक नंबर हीलियम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है हीलियम के एटॉमिक मास के इक्वल होता है. आप ये कह सकते हैं कि इसमें इसका जो मास है वो प्रोटोन से या प्रोटोन या हाइड्रोजन एटम से 4 गुना होता है, और इसमें जो चार्ज होता है वो प्रोटोन या हाइड्रोजन एटम के 2 गुना होता है. इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इस अल्फा को हम लोग कंसिडर कर देते हैं कि ये हीलियम पार्टिकल है, यानी कि हीलियम को हम कहते हैं कि ये अल्फा रेज है. इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप कोई गोल्ड फॉइल यूज़ कर लें, या आपके पास कोई गोल्ड फॉइल है, तो क्या होता है अगर इसके ऊपर गामा रेज आप जो है डाल रहे हैं, तो गामा रेज, सॉरी कह रही हूँ, अल्फा रेज, जो हम लोग अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे हैं, अगर यहाँ पे अल्फा रेज आप डाल रहे हो, तो फॉर एग्जांपल ये अल्फा रेज आ रही है, लेकिन जैसे ही वो इस गोल्ड फॉइल के अंदर दाखिल होती हैं, उसके ऊपर गोल्ड फॉइल के ऊपर आती हैं, तो क्या करती हैं कि अपने सीधे रास्ते से 2 या 3 डिग्री जो है ऊपर या 2 या 3 डिग्री नीचे जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 डिग्री या 3 डिग्री की डिफ्लेक्शन शो कर देती है अगर ये गोल्ड फॉयल के अंदर से गुजरें. और अगर ना गुजरेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही ट्रैवल करती रहती है. जैसे कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए तो ये पॉजिटिव की तरफ जो है नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर देती हैं, चूँकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. सिमिलरली जैसे ये गोल्ड फॉयल के अंदर से गुजरती हैं, तो क्या करती हैं कि अपने जो जो पाथ है उस पाथ से अपने आप को 2 या 3 डिग्री ऊपर या नीचे की तरफ टिल्ट कर लेती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो डिफ्लेक्शन शो करती हैं. तो ये अल्फा की प्रॉपर्टीज थी. अब इसके बाद अगर हम बीटा रेज की प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, ये हमारे पास बीटा रेज हैं, तो बीटा रेज की प्रॉपर्टीज में ये है कि बीटा रेज की जो भी वेलोसिटी है, इनकी जो वेलोसिटी है वो भी डिपेंड करती है कि किस एलिमेंट के अंदर से ये जो बीटा रेज हैं ये एमिट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर भी इनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी उस एलिमेंट के ऊपर जिसके अंदर से ये निकल रही हैं. अब जो बीटा रेज की वेलोसिटी होती है, ये जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि सी, उसका 1% से लेके 99% तक होती है, और हर एलिमेंट के लिए बीटा रे की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होती है. डिफरेंट रेडियो एक्टिव के लिए बीटा रेज की वेलोसिटी डिफरेंट होती होगी. इसी तरीके से ये जो है बीटा रेज. अब जो दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वो हमारे पास आयोनाइजेशन है, जैसे कि हमारे पास अल्फा रेज आयोनाइज करती हैं जैसे ही वो किसी एयर के अंदर से या किसी गैस के अंदर से पास करती हैं. सिमिलरली क्या होता है कि जो हमारे पास बीटा रेज हैं ये भी आयोनाइजेशन करती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अल्फा रेज इनके आयोनाइजेशन जो होती है बीटा रेज की वो 1/100 टाइम लेस होती है इस वाली से. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसकी अल्फा रेज की जो है आयोनाइजेशन वो ज़्यादा होती है बीटा रेज से, और बीटा रेज की जो आयोनाइजेशन है वो 1/100 पार्ट लेस होती है. इसकी वजह ये है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से उसको जाहिर सी बातें बता रहे हैं कि 1% से 99% है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है. तो वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो मास है वो कम हो जाता है. तो मास कम होने की वजह से क्या होता है कि इनकी आयनाइजेशन की जो एनर्जी है वो अल्फा रेज की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. अब इसके बाद जो हमने तीसरा पॉइंट डिस्कस किया था फोटोग्राफिक प्लेट का, तो जाहिर सी बात है ये भी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है इफ़ेक्ट छोड़ती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, तो चूंकि ये नेगेटिव पार्ट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बीटा जो है, तो ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं. अब जो हमारे पास बीटा रेज होती हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल के अंदर से भी पास कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये कह लीजिए कि आपके पास जो है यहाँ पे एल्युमिनियम की 1 सेंटीमीटर जो है थिक आपके पास कोई लेयर पड़ी है, ये 1 सेंटीमीटर थिक है और ये जो है आपके पास एल्युमिनियम है, तो क्या होता है कि जो आपकी बीटा रेज है वो ईजीली इसके अंदर से पास कर सकती हैं, यानी कि इतनी मोटा डिस्टेंस भी हो वो ईजिली ट्रेवल कर सकती हैं. इतनी थिक है ये चूँकि आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर से भी वो ईजिली गुजर सकती है. उसके बाद जो है हमें ये पता चल गया कि ये जो है एक चार्ज पार्टिकल है. जब इसका चार्ज फाइंड आउट किया गया तो पता चला कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर होती हैं. इलेक्ट्रॉन के कंपेयर इसलिए क्योंकि इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और उन पर जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है. इसलिए हम लोग कह देते हैं कि जो हमारे पास बीटा रेज हैं वो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सिमिलरली अब हमारी जो तीसरी रे आ जाती है वो है जो कि है गामा रेज. अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके भी स्पीड और वेलोसिटी को देखेंगे. जैसे कि हमने बात की कि जो गामा रेज हैं उनकी तो रेंज 1.4 से 1.7 से 10^10 तक जाती थी, और जो बीटा रेज हैं उनको हमने कहा कि ये 99% तक जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर जाती हैं. लेकिन जो हमारे पास गामा रे होती है ना, इनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट की, यानी कि इतनी तेज़ी से ये जो है ट्रैवल कर रही होती हैं. ये जो है
अब ये जो है इनकी चूंकि स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इनका मास बहुत कम होता है। इस वजह से ये भी जो आयनाइजेशन करती हैं, वो इनके आयनाइजेशन जो है वो अल्फा और बीटा दोनों से ही बहुत कम होती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपके पास होती है अल्फा रेज की, इसके बाद जो है बीटा, देन आपके पास आयनाइजेशन आ जाती है गामा रेज की, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। सिमिलरली ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर जो है इफेक्ट करती हैं, और इनका इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए अगर आप कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो ये कभी भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, क्योंकि ये जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए बिल्कुल सीधा जाके किसी भी चीज़ को जो है इफेक्ट करती है, डिफ्लेक्शन शो नहीं करती। अब जैसे हमने बात की कि जो बीटा रेज होती हैं उनकी ये एबिलिटी है कि वो किसी भी मैटर के थिक लेयर के अंदर से बीटा रेज आसानी से गुजर सकती हैं। इसी तरीके से अगर आप गामा रेज की बात करें तो गामा रेज की जो पावर है वो बीटा रेज से भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो है 30 सेंटीमीटर, अगर आपके पास कोई थिक लेयर है जो कि आयरन की है, तो आयरन की थिक लेयर के अंदर से भी इजीली पास कर सकती है, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ये इतनी मोटाई वाली ले जो तय होती है उसके अंदर से भी इजीली पास कर सकती है। इसके बाद ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर से जो है इमिट होती हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो कि ये चार्जलेस पार्टिकल होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि अल्फा रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गामा रेज की और बीटा रेज की, और किस तरीके से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर से निकलती रहती हैं। चूंकि ये खुद निकलती है, इसलिए हमने इसे कहा कि ये हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, और अगर हम इसे खुद कराएं तो हम इसे कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। तो ये सब रेडियो एक्टिविटी के बारे में था, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हेनरी बिकरन ने इन्हें फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो है डिटेक्ट किया था, कि किस तरीके से ये अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, और चूंकि उन पर चार्ज होते हैं अल्फा और बीटा पे, इसलिए वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, जबकि जो गैमा है उस पर चार्ज नहीं होता, इसलिए वो डायरेक्टली जाके उसने जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट किया था। और यहाँ पर हमें इस तरह जब उसने डिस्कवर किया इसे दोबारा कुछ दिनों के बाद देखा, तो उसे पता चला कि ये तीन तरह की ही रेस हमेशा जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो एमिट करते हैं।